कैसे हो मेरे भाई। मेरा नाम है प्रकाश नारायण, आपका स्वागत है कांतारा मूवी का हिंदी रिव्यू में। तो भाई मैं इस फिल्म को देखने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड था भाई। इस फिल्म की काफी ज्यादा तारीफ लोगों ने की थी और इसे कन्नड़ वर्जन को जिन्होंने देखा था भाई, उन्होंने तो भाई कह दिया कि यह एक बेस्ट मूवी है। और यह मूवी किस तरह से बनाई गई है उन्होंने काफी ज्यादा इसकी तारीफ की थी। तो मैं भी इस फिल्म को देखने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड था और फाइनली मैंने इसका हिंदी डब देख लिया है। तो भाई जिन लोगों ने इस फिल्म को रिव्यू दिया था वो लोग से बिल्कुल सही हैं और यह फिल्म बाकी बेहतरीन फिल्म निकल के आती है। तो भाई इसी वीडियो में इस फिल्म के बारे में पूरी डिटेल में बात करेंगे और आपको यह फिल्म क्यों देखनी चाहिए उन सारी चीज़ों पर इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो आप कहीं मत जाइएगा, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। और आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिए। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो भाई साहब कांतारा एक कन्नड़ा मूवी है और इसको आपकी और हमारी डिमांड पर हिंदी में रिलीज कर दिया गया है। भाई इस फिल्म ने जो बज क्रिएट किया था कन्नड़ा में वो काफ़ी ज़बरदस्त था और इसको हिंदी में भी रिलीज करने की मांग की जा रही थी पब्लिक द्वारा। तो फाइनली यह सुन लिया गया है, आज आपके नज़दीकी थिएटरों में यह हिंदी में रिलीज हो चुका है। लगभग कह सकते हैं कि 18 से 2000 स्क्रीन पर यह फिलहाल रिलीज हो चुका है और आपकी डिमांड जिस तरह से बढ़ेगी उस तरह से यह फिल्म और भी जगहों पर रिलीज होने वाला है। तो भाई मैंने यह मूवी देख ली है और भाई मैं एक शब्द में कहूँ तो यह एक ब्रिलियंट मूवी है। जिस तरह से इसको डायरेक्ट किया है भाई, जिस तरह से इस फिल्म को बनाया गया है, जिस तरह से का परफॉर्मेंस इसमें कलाकारों का दिखता है भाई, सच में कमाल का है और आपको यह फिल्म बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। और हाँ, इस फिल्म को देखने अगर जा रहे हैं तो आपको भगवान विष्णु के 10 अवतारों के बारे में पता होना चाहिए, साथ ही साथ भगवान शिव के बारे में भी कुछ पता होना चाहिए। क्योंकि भाई इस फिल्म की स्टोरी जिस तरह से आगे बढ़ती है और जिस तरह से भगवान विष्णु और भगवान शिव का जो कनेक्शन इसमें दिखाया गया है, साथ ही साथ कुछ लोकल त्योहारों की भी चर्चा इसमें की गई है, तो भाई इन सारी चीज़ों की जिसको जानकारी है वो कहीं ना कहीं इस फिल्म को ज़्यादा से ज़्यादा इंजॉय कर सकता है। तो भाई कहीं ना कहीं आपको भगवान विष्णु के 10 अवतारों के बारे में पता होना चाहिए। और क्लाइमेक्स में भाई जिस तरह से ये सारे चीज़ें मिल के आपस में एक माहौल बनाती है, आपके दिमाग पर जो प्रभाव छोड़ती है, सच में काफ़ी कमाल का है। अगर बात करें इस फिल्म की स्टोरी की तो भाई मैं बिल्कुल भी स्पॉइलर नहीं देना चाहूँगा भाई, मैं बिल्कुल भी इसकी स्टोरी के बारे में कुछ भी नहीं बताने वाला हूँ। हाँ बस इतना बोलना चाहूँगा कि इस तरह की स्टोरी आपने पहले भी देखी है, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है, लेकिन जिस तरह से इसको प्रेजेंट किया गया है, हमारे सामने जिस तरह से इसको रखा गया है, जिस तरह से ब्रिलियंट डायरेक्शन का इसमें नमूना देखने को मिलता है वो सच में कमाल का है। ऋषभ शेट्टी ने इस फिल्म को डायरेक्ट भी किया है भाई, उनका डायरेक्शन काफ़ी ज़बरदस्त है। और कन्नड़ा मूवी का सबसे अच्छी बात कुछ होता है तो भाई उसका प्रेजेंटेशन, जिस तरह से वो पौराणिक कथाओं के साथ कनेक्शन दिखाते हैं। खासकर आप ऋषभ शेट्टी की मूवी देख रहे हो तो इन सारी पुरानी परंपराओं और पुराने रीति रिवाजों के लिए आपको प्रिपेयर होकर पहले ही से जाना चाहिए, क्योंकि भाई इनकी फिल्मों में यही स्पेशल होता है। जिस तरह से वो हमारी हिंदू पुराणिक परंपराओं को जिस तरह से फिल्म में दिखाते हैं वो काफ़ी ब्रिलियंट तरीके से दिखाते हैं, तो इसके लिए आपके दिमाग में पहले से होना चाहिए हम इनकी मूवी देखने जा रहे हैं तो हमें नॉलेज होना चाहिए हिंदू सभ्यता, हिंदू संस्कृति के बारे में, हिंदू देवी देवता के बारे में। आप थोड़ा सा भी इन चीज़ों के बारे में जानते हैं तो आप यह मूवी बिल्कुल देख सकते हैं। तो भाई लास्ट में स्टोरी के बारे में यही बोलूँगा कि स्टोरी उतना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है, लेकिन इसका डायरेक्शन अच्छा है और भाई काज की परफॉर्मेंस की बात ही कुछ और है। जिस तरह से ऋषभ शेट्टी ने परफॉर्म किया है, शिवा करोल उन्होंने प्ले किया है भाई, काफ़ी लाजवाब है और उनकी परफॉर्मेंस कह सकते हैं कि इस फिल्म की जान है। जिस तरह से शिवा के कैरेक्टर के साथ क्या घटना घटती है, उनके कैरेक्टर के साथ क्या होने वाला है, वो सारी चीज़ें आपको कहीं ना कहीं फिल्म में इंटरेस्ट बनाए रखती है। और सारे कलाकारों का परफॉर्मेंस कह सकते हैं कि बेहतरीन है, तो परफॉर्मेंस वाइज भी यह फिल्म काफ़ी ज़बरदस्त है। वही बात करें इस फिल्म का बीजीएम की तो भाई बीजीएम भी काफ़ी कमाल का है। जिस तरह से कन्नड़ा मूवी बीजीएम के लिए जानी जाती है और बैकग्राउंड म्यूजिक जिसके एक्शन सीन इसके डायलॉग के साथ एलिवेट करते हैं इसको, भाई सीन को काफ़ी रोचक बनाती है, काफ़ी ज़बरदस्त बनाती है। तो भाई एक्शन सीन भी काफ़ी ज़बरदस्त है, बैकग्राउंड म्यूजिक भी काफ़ी ज़बरदस्त है। तो भाई इस फिल्म को आप बिल्कुल भी मिस नहीं कर सकते हैं अगर आपने इस फिल्म को कन्नड़ा में नहीं देखा है। तो अगर आपने इस फिल्म को कन्नड़ा में भी देखा है तो भाई हिंदी को ज़रूर देखिए, क्योंकि इसके स्टोरी के साथ आप ज़्यादा रिलेट कर पाएगा। क्योंकि भाई हर कोई सबटाइटल के साथ नहीं देखता है, कहीं ना कहीं आप सबटाइटल के साथ देखते तो सारा ध्यान आपका सबटाइटल पर ही रहता है और कहीं ना कहीं आप फिल्म को एंजॉय करना भूल जाते हैं। कन्नड़ा में डेफिनेटली आप इस फिल्म को ज़्यादा एंजॉय करिएगा, लेकिन अगर आपको कन्नड़ा नहीं आती है तो आप बिल्कुल भी इसको हिंदी मिस नहीं कर सकते हैं, तो आप इस फिल्म को हिंदी में जाकर जरूर देखिए। भाई लास्ट में बात करें इस फिल्म को रेटिंग देने की तो मैं इस फिल्म को 10 में से 8.9 की रेटिंग देता हूं। तो उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो और इस वीडियो को देख रहे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिए। तो चलिए मिलते हैं किसी और रिव्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।